नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ रश्मि। और जिस घड़ी का इंतजार था वो इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव वापस अपने देश आने वाले हैं। जी हाँ, जितने भी लालू प्रसाद यादव के चाहने वाले हैं, आरजेडी के समर्थक हैं, उनके लिए ये बड़ी खबर है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव वापस अपने देश आ रहे हैं। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार लालू प्रसाद यादव 11 फरवरी को वापस आ रहे हैं। और ये जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि आरजेडी के पूर्व सांसद की तरफ से दी गई है। आपको हम बताएं कि आरजेडी के पूर्व सांसद मोहम्मद अली अशरफ फातमी ने ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि सिंगापुर में लालू प्रसाद यादव से 3 घंटे तक मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान लालू यादव की बेटी मिशा भारती, साथ ही परिवार के जो अन्य सदस्य हैं वो भी मौजूद रहे। और 3 घंटे तक लालू प्रसाद यादव से फातमी की जो है वो मुलाकात हुई। अलग अलग विषयों पर चर्चा हुई, लेकिन सबसे जरूरी और अहम बात ये कि लालू प्रसाद यादव वापस अपने देश आ रहे हैं। तो ये एक बड़ी खबर है आरजेडी के समर्थकों के लिए। आरजेडी के जितने भी कार्यकर्ता हैं लालू प्रसाद यादव के चाहने वाले हैं, उनके लिए एक बड़ी खबर है, क्योंकि लंबे वक्त से लालू प्रसाद यादव का इंतजार किया जा रहा था। खास करके लालू प्रसाद यादव ने जो है सिंगापुर में अपना इलाज करवाया। उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने अपने पिता को किडनी डोनेट किया और सक्सेसफुल ऑपरेशन जो है वो लालू प्रसाद यादव का सिंगापुर में हुआ। ऐसे में लालू प्रसाद यादव के लिए लोगों की दुआएं जो है वो काम आई। हजारों लोगों की, या यूं कहें कि करोड़ों लोगों की जो दुआ है उसने रंग लाया और लालू प्रसाद यादव का इलाज जो है वो सक्सेसफुल रहा। लेकिन अब ये बड़ी खबर, जहां लालू प्रसाद यादव 11 फरवरी को वापस आ रहे हैं और इसकी जानकारी ट्वीट करते हुए आरजेडी के जो पूर्व सांसद हैं फातमी, उन्होंने दी है। उन्होंने बताया है कि 3 घंटे तक सिंगापुर में उनकी और लालू प्रसाद यादव के बीच जो है वो मुलाकात हुई, और इस मुलाकात में कई मुद्दों पर जो है वो चर्चा भी की। उस ट्वीट में उन्होंने ये बताया है कि इस मुलाकात के दौरान उनकी बड़ी बेटी और राज्यसभा सांसद मिश्रा भारती रोहिणी आचार्य के साथ जो है वो मौजूद रही। उन्होंने लालू प्रसाद यादव सहित उनकी बेटी मिश्रा भारती और को किडनी डोनेट करने वाली रोहिणी आचार्य से उन्होंने फोटो ली, और ये फोटो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुलाकात की ये तस्वीर है। लेकिन सबसे जरूरी और अहम बात ये कि लालू प्रसाद यादव 11 फरवरी को वापस आ रहे हैं। तो ये एक बड़ी खबर है उन तमाम आरजेडी के कार्यकर्ता के लिए, और खास करके लालू यादव के जितने भी प्रशंसक हैं, जो लालू यादव के चाहने वाले हैं, वो इस खबर से काफी ज्यादा खुश हैं, क्योंकि इंतजार हो रहा था कि कब लालू प्रसाद यादव वापस अपने देश आएंगे। हालांकि बात करें तो कई बार डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि लालू प्रसाद यादव इस वक्त डॉक्टर की देखरेख में है, एक्सरसाइज कर रहे हैं और पूरी तरह से स्वस्थ होने के बाद ही वो वापस आएंगे। और आखिरकार लालू प्रसाद यादव जो है सेहतमंद है, पहले से काफी बेहतर है, और यही वजह है कि अब 11 फरवरी को वो वापस अपने देश आ रहे हैं। तो ये एक बड़ी खबर है, खास करके आरजेडी के फैंस के लिए, लालू प्रसाद यादव के प्रशंसकों के लिए, क्योंकि उनके गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं लालू प्रसाद यादव। तो इस खबर से तमाम कार्यकर्ता और पार्टी के जो लोग हैं उनके चेहरे पर जो है वो खुशी जो है वो नजर आ रही है। और फिलहाल इस अपडेट में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।